एनिमल्स आर फ्रेंड, लेसन 4। इसका सेकेंड वीडियो लेसन होगा। आज फर्स्ट वीडियो लेसन हम लोग देख लिए थे। क्या देखा फर्स्ट वीडियो लेसन में हम लोगों ने? एनिमल्स हमारे लिए कैसे उपयोगी है, यूजफुलनेस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स से हम लोग क्या क्या प्राप्त करते हैं ये भी जाने हम लोग। वाइल्ड लाइफ क्या होता है इसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी दी है। घबराइए मत, अभी बारिश का समय है तो बादलों के गरजने की आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी, आनंद ले लीजिएगा। ओके चलिए, और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंस्टिंक्ट एनिमल्स क्या होता है। वो एनिमल्स जो हमारे बीच आज नहीं है, और इंडेंजर एनिमल जिसकी संख्या बहुत कम हो गई है, कुछ ही दिनों में हो सकता है समाप्त हो जाए, हमारे बीच ना रहे अगर उनकी देखभाल हम ना करें। और तीसरा था डेंजर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। आज के वीडियो में क्या पढ़ेंगे सर, आप तो पीछे का बताए जा रहे हैं। अरे आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक चाहिए तो स्क्रीन पे टैप करो, आपको आई बटन दिखेगा, आई बटन को क्लिक कीजिए, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट कर देते हैं, देखो क्या कह रहा है। वी हियर ऑफ केसेस वर मंकीज आर ट्रबलिंग पीपल, दे ऑफन टेक अवे थिंग्स फ्रॉम देयर हाउसेस। देखो क्या बात है, बारिश तो होगी नहीं लेकिन बादल गरजेंगे। तो हम लोग क्या सुनते हैं कि ट्रबलिंग पीपल, बंदर लोग, हाँ क्या करते हैं, मनुष्यों को परेशानी में डाल देते हैं। कैसे, कभी तुमको बंदर परेशान किया है बताओ? क्या तुम्हारे गांव में कभी आया बंदर? नहीं आया। आया होगा देखना, परेशान करता है। कैसे, उसके सामान को ले जाते हैं, उसके घर जा चल जाते हैं, वहाँ से सामान को लेके निकल जाते हैं। समटाइम्स वी हियर ऑफ लेपर्ड एंड टाइगर्स हैव बिकमिंग द मैन ईटर। कभी कभी हम लोग ये भी सुनते हैं क्या कि टाइगर, बाघ ने आदमी को खा गया, ईटर। ओके, ऐसा भी सुनते हैं, मतलब वाइल्ड लाइफ मनुष्य को परेशानी में डाल रहे हैं। वी शुड रियलाइज दैट दे आर डूइंग सो बिकॉज मैन इज डिस्ट्रॉइंग द लिविंग एरियाज बाय कटिंग डाउन फॉरेस्ट। ऐसा क्यों हो रहा है? चूंकि मेन है ना, आदमी लोग डिस्ट्रॉय कर दे रहा है क्या उसके आवास को, जंगलों को काट करके, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो एनिमल्स कहाँ जाएंगे? गांव में नहीं आएंगे, शहर में नहीं आएंगे तो कहाँ रहेंगे? ओके, उनको भी तो कहीं रहना है, इस कारण से ट्रेवलिंग करते हैं ना। द पी प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भी हम लोगों को प्रोटेक्ट करके रखना है, सुरक्षित रखना है। किसको? वाइल्ड लाइफ को। कैसे सुरक्षित रखेंगे? तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 1972 में। क्या बात है, इतना तेज अगर बादल गरजेगा तो हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे? फिर भी चलो कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 1972 ईस्वी में भारत सरकार ने इनेक्टेड मतलब बनाई, कानून बनाए वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिवली कंट्रोलिंग पोचिंग एंड लीगल ट्रेड, इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। मतलब एक ऑब्जेक्टिव उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था कानून बनाने का? तो एनिमल्स को बचाना, किससे बचाना? इलीगल ट्रेडिंग मतलब अवैध उसका व्यापार जो हो रहा है उसको रोकने के लिए कानून बनाई गई। ओके, कंट्रोलिंग पोचिंग मतलब जो उसको किल करते हैं उसको रोकने के लिए कानून बनाई सरकार ने। अब देखिए, दिस हैज बीन अमेंडेड इन जनवरी 2003। ये जो कानून बनाई सरकार, इसको 2003 में सुधारा गया। अमेंडेड मतलब क्या हुआ? सुधारा गया, कुछ उसमें सुधार लाया गया, कुछ चेंजेज लाया गया ताकि और बेहतर तरीके से कानून हो सके। ओके, नेक्स्ट, पनिशमेंट इन पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस अंडर द एक्ट हैड बीन मेड मोर स्ट्रिजेंट। मतलब क्या हुआ कि ये अगर इस कानून के विरोध में, ऑफेंसेस मतलब इसके विरोध में अगर कोई भी व्यक्ति एनिमल्स को मारता है तो उसको पनिशमेंट होगा, यानी सजा होगी, और पेलेंटी जुर्माना भी उसको भरना पड़ेगा। जुर्माना समझ रहे, कुछ पैसा बोल देगा कि इतना पैसा दीजिए। ओके, पनिशमेंट जेल भेज देगा। तो ये पनिशमेंट भी हुआ और आपको जुर्माना भी, दोनों मिलेगा। अब हम लोग को क्यों जरूरी है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, तो ये जानिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ इज दैट दे फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मेनी फूड चेन्स। एनिमल्स को क्यों बचा के रखेंगे? क्योंकि वो फूड चेन का एक हिस्सा है। ओके, फूड चेन क्या होता है सर? तो अभी हम देखेंगे फूड चेन क्या होता है। फूड चेन एक सीरीज है, ये बताता है कि कौन सा एनिमल्स किस एनिमल्स को अपना भोजन बनाता है।
इफ दे आर किल्ड, अगर इस तरह से हम एनिमल्स को मारेंगे, मेनी अदर एनिमल्स इन दैट फूड चेन गेट अफेक्टेड, तो फिर क्या होगा, वो जो फूड चेन है उसमें जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं वो अफेक्ट होंगे, उसको फूड नहीं मिल पाएगा। देखिए, फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में यहाँ पे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ये फूड चेन इज अ प्रोसेस ऑफ हु ईट्स होम। फूड चेन क्या है, तो यह एक प्रोसेस है जो बता रहा है कौन किसको खाता है, हु ईट्स होम। अ फूड चेन शोज, अ फूड चेन शोज मतलब दिखा रहा है, क्या दिखाता है फूड चेन जी, हाउ हाउ ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट्स इट फूड, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड कहाँ से ले रहा है, कैसे ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लीव्स ईटन बाय, लीव्स को कौन खाता है, कैटरपिलर, एंड कैटरपिलर इज ईटन बाय फ्रॉग, कैटरपिलर को कौन अपना भोजन बना लिया, फ्रॉग मेंढक। इसी तरह से फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक, ओके, एंड देन स्नेक इज ईटन बाय आउल, देख लिए। तो ये क्या था, मेरा सीरीज बन गया, ये सीरीज बन गया मेरा, ओके। तो अब देखिए, इसमें से हम यहाँ पिक्चर से तो समझने का कोशिश करते हैं। ये देखो, मेरे पास पिक्चर है, क्या है, ग्रीन लीव्स है, इस पे कौन डिपेंड करता है, तो कैटरपिलर, कैटरपिलर यहाँ पे रहते हैं और पत्तियों, ग्रीन पत्तियों को खाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, और उसको कौन खा जाता है जी, मेढक। तो ये गलत बात है, नहीं, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए फूड तो खाना ही पड़ेगा। मेढक को कौन खा रहा है, स्नेक, और स्नेक को कौन अपना शिकार बनाता है, आओ। समझ गए, ये जो सीरीज बना इसको बोलते हैं फूड चेन, और फूड चेन क्या दिखाता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन कैसे ले रहा है। ओके, समझ गए। चलो, इफ वी डिस्ट्रॉय वन लिंक इन अ फूड चेन, वी माइट एंड अप बाय डिस्ट्रॉइंग द होल फूड चेन। अगर कहीं एक लिंक को अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें, तो इसका मतलब ये होगा कि पूरे फूड चेन को हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। फूड चेन्स आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट्स सच एज डेजर्ट, वाटर और प्लेन्स। फूड चेन हर जगह पाया जाता है, कौन किसको खा रहा है, यही तो फूड चेन है। तो हैबिटेट की बात करें तो क्या समझे, जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं उसको हैबिटेट बोला गया, उसका निवास स्थान, जगह। जैसे पॉन्ड की बात करें, तालाब, तो तालाब में आपका जलीय जीव रहेंगे, तो वो जलीय जीवों के रहने का जगह हो गया, तो हैबिटेट हो गया। ओके, देखिए वाटर बॉडी लिखा हुआ है, डेजर्ट, डेजर्ट मतलब मरुस्थल, हाँ, जहाँ पे प्लांट्स की संख्या कम हो उस जगह को डेजर्ट कहते हैं, तो वहाँ पे तो एनिमल्स रहते हैं, वहाँ एक दूसरे को कौन किसको खा रहा है। प्लेन्स, प्लेन्स मतलब मैदानी भाग, हाँ, उस जगह पे जो एनिमल्स रहते हैं उसको क्या कहेंगे, प्लेन्स में रहने वाले एनिमल्स। ओके, तो ये हम समझ गए फूड चेन क्या होता है। मोस्ट एनिमल्स आर पार्ट ऑफ मोर देन वन फूड चेन। अब देखिए, फूड वेब को समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। ये देखो, जाल देख रहे हो ना, इसको क्या बोलेंगे, फूड वेब बोलेंगे। तो फूड वेब को समझिए, मोस्ट एनिमल्स आर पार्ट ऑफ मोर देन वन फूड चेन। कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक फूड चेन के नहीं, दूसरे फूड चेन में भी रहते हैं। हाँ, दे आल्सो ईट मोर देन वन काइंड ऑफ एनिमल्स इन ऑर्डर टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। अपने फूड की पूर्ति के लिए, अपने भोजन की पूर्ति के लिए, पूरा करने के लिए वो दूसरे एक से ज़्यादा एनिमल्स को खाते हैं। सच इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स फॉर्म अ फूड वेव। और इस तरह का जो इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड मतलब एक दूसरा, एक फूड चेन दूसरा फूड चेन के साथ जुड़ जाता है, उसको इंटरकनेक्शन बोल रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, फूड वेव। जैसे पिक्चर्स में आप समझिए, फूड वेव शोज हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरकनेक्टेड इन मेनी वेज टू हेल्प देम सर्वाइव इन नेचर। फूड वेव क्या दिखा रहा है कि प्लांट्स और एनिमल्स आपस में कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए। देखिए यहाँ पर, ये क्या है आपका ग्रीन प्लांट, इसको प्रोड्यूसर कहेंगे, ओके, यही हम लोगों को बचा के रखा है। कौन, ग्रीन प्लांट्स। देखिए, ग्रीन प्लांट्स पे कौन कौन डिपेंड करते हैं, रैबिट, रैट, गॉट, आप एक शब्द में बोलिए हर्बीवर्स, ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवर। अब इस पे कौन डिपेंड करेगा, तो रैबिट को अपना शिकार कौन बना रहा है, जैकॉल। गॉट को कौन बना रहा है शिकार, जैकॉल। तो जैकॉल दो एनिमल्स को खा गया ना, तो ये इंटरलिंक हो गया, एक फूड इधर चेन जा रहा था, एक फूड चेन इधर जा रहा था, ये इसके साथ जुड़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटर कनेक्शन हो गया। इसी तरह से रैट की बात देखिए, रैट को कौन कौन अपना शिकार बना सकता है जी, तो वाइल्ड कैट, आउल, स्नेक, ओके। तो ये एक से ज्यादा एनिमल्स को अपना शिकार बना रहे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फूड वेव।
और ये हो गया एगर लायन, ये क्या कहलाते हैं? कार्निवरस एनिमल्स। समझ गया फूड वेब क्या होता है। नेक्स्ट है केयर फॉर एनिमल्स, एनिमल्स को हम कैसे केयर करेंगे, उसका देखभाल कैसे होगा। ओके, मेनी एनिमल्स आर बीइंग अफेक्टेड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ मैन्स, हमारे एक्टिविटी के कारण, मनुष्य की एक्टिविटी के कारण एनिमल्स अफेक्टेड हो रहे हैं, उसको क्षति हो रही है। कैसे? मैन इज डिस्ट्रॉइंग योर नंबर ऑफ फूड चेन्स एंड इज देयर बाय डिस्टर्बिंग द फूड वेव्स। मेन क्या कर रहा है? मनुष्य लोग डिस्ट्रॉय कर रहा है बहुत सारे फूड चेन को और पूरे फूड वेव को डिस्टर्ब कर दे रहा है। ऑल सच एक्टिविटीज वुड इन टर्न अफेक्ट मैन आल्सो, और जितना एक्टिविटी है वो मनुष्यों को भी प्रभावित करता है। मनुष्य लोग सोच रहा है कि हमको प्रभावित नहीं कर रहा है, हम तो एनिमल्स को मार दे रहे हैं, हमको कोई हानि नहीं हो रही, लेकिन नहीं, हम मनुष्यों को भी हानि होती है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी मोर कंसिडरेट टुवार्ड्स एनिमल्स, हम लोगों को एनिमल्स के प्रति जागरूक होना चाहिए, उसके प्रति ध्यान देना चाहिए। ओके, वी शुड नॉट बी क्रूअल टुवार्ड्स देम, उसके प्रति हम लोगों को क्रूरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्रूरता का व्यवहार करेंगे तो ठीक नहीं है। नाउ हियर इज व्हाट वी कैन डू टू प्रिवेंट क्रुएलिटी टू एनिमल्स। ओके, हम क्या करेंगे ताकि हम क्रूरता का व्यवहार न करें एनिमल्स के साथ, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, हम इसको देखते हैं वन बाय वन। डू नॉट थ्रो पॉलिथिन बैग्स इन द गार्बेज, गार्बेज में जहाँ कूड़ा कचरा रखते हैं उसको गार्बेज कहेंगे, वहाँ पे पॉलिथिन बैग्स को नहीं फेंकना है। ओके, स्ट्रे कैटल कैन स्वेलो देम एंड दे मे डाई, गलती से अगर मवेशी वहाँ जाएंगे घूमते घूमते तो उसको स्वेलो कर सकते हैं, निगल जाएंगे, उससे उसका डेथ होगा, चूंकि तो प्लास्टिक डाइजेस्ट होगा नहीं। दूसरा पॉइंट, डू नॉट पुट बर्ड्स इन केजेस एंड फिश इन एक्वेरियम, बर्ड्स को केज में नहीं रखना है, पिंजरा में बंद करके, हम लोग मनोरंजन के लिए रखते हैं ना, लेकिन गलत बात है, नहीं रखना चाहिए। फिश इन एक्वेरियम, एक्वेरियम में फिश को नहीं रखना है, कैद कर देते हैं आप छोटे से जगह में जी। देयर फील ट्रैप्ड इन स्मॉल स्पेस एंड देयर लाइफ स्पेन गेट्स रिड्यूस, वो अपने आप को एक छोटे से जगह में कैद महसूस करते हैं, जैसे कि जेल में बंद हो गए तो क्या होगा, उसका लाइफ स्पेन, जीवन काल, जीवन का समय घट जाएगा, कम हो जाएगा, कम दिन तक जिंदा रहेंगे। ओके, व्हेन विजिटिंग अ फॉरेस्ट पार्क और गार्डन, वन शुड नॉट रिमूव एग्स ऑफ बर्ड्स फ्रॉम देयर नेस्ट, आप जाते हैं गार्डन घूमने के लिए, आपको नेस्ट दिखता है बर्ड्स का, आप बड़ा एंजॉय करते हैं, है ना, खुशी खुशी उसका जाते हैं और एग्स को निकाल लेते हैं उसके नेट से, नहीं ऐसा नहीं करना है, ये सब एक्टिविटी नहीं करोगे। पुट सम वाटर इन एन अर्थन पोर, अर्थन बाउल एंड कीप इट आउटसाइड, अर्थन मतलब क्या हो गया, मिट्टी से बना हुआ बाउल, मतलब मिट्टी से बना हुआ जो आपका बर्तन आता है उसमें क्या करिए, कुछ पानी को रख दीजिए आउटसाइड, अपने घर के बाहर, स्पेशली ड्यूरिंग समर, गर्मी के दिनों में, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। ओके, यू विल बी एबल टू सी मेनी बर्ड्स कमिंग देयर टू क्विंच देयर थ्रस्ट, आप क्या देखोगे, बहुत सारे बर्ड्स वहाँ पे आ जाएंगे अपने प्यास को बुझाने के लिए, तो आपको अच्छा लगेगा देखने में, आप इंजॉय करेंगे ना। देखिए, इफ यू हैव पेट्स, अगर आपके पास पेट्स है, मतलब पालतू जानवर जिसको घर में रखे हो, गिव देम द लव एंड गुड केयर दैट दे डिजर्व, डिजर्व मतलब जो उसका हकदार है, अगर आप घर में रखे हो किसी पेट्स को तो आप उसको प्यार दीजिए, ओके, गुड केयर कीजिए, मतलब अच्छे से देखभाल कीजिए, वो उसका हकदार है, डिजर्व मतलब हकदार है पाना। इफ द पेट एनिमल अपियर्स टू बी सिक, अगर आपका पालतू जानवर जो घर में रखे हो अगर वो बीमार हो जाता है, हाँ, तो क्या करोगे, टेक इट टू द वेटरिनेरियन, मतलब मवेशी के चिकित्सक, जो वेटरिनेरियन किसको बोलेंगे, वैसे व्यक्ति जो पशुओं का इलाज करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पशु चिकित्सक ना, हाँ, तो उसके पास आपको लेके जाना चाहिए। टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट हाउ टू ट्रीट एनिमल्स विथ काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, अपने फ्रेंड्स से, दोस्तों से बात कीजिए कि एनिमल्स के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए, किस तरह का बर्ताव करना चाहिए उसके साथ।
ओके, बी अ गुड रोल मॉडल, आप एक अच्छा रोल मॉडल बनिए, हाँ अच्छा रोल मॉडल, ताकि आपका अनुसरण लोग करें, दूसरा लोग करें। अगर आप अपने घर में पेट्स को रखें तो आपके अगल बगल को भी उससे क्या होना चाहिए, इनिशिएटिव आना चाहिए कि हाँ वो देखो कितना अच्छा व्यवहार करता है एनिमल्स के साथ। विजिट एंड सपोर्ट योर लोकल एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आपके पास कहीं एनिमल्स का ऑर्गेनाइजेशंस है तो वहाँ जाइए और उसको हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए रेस्क्यू ऑपरेशन। देखिए डू यू नो, ये आपके लिए है। ओके, पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा, इसका पूरा नाम क्या है, पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इसका शॉर्ट नाम हो गया पेटा। ये क्या है, इज एन एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है पेटा, तो अमेरिका का है, अमेरिका की एक संस्था है पेटा। ओके, ये क्या करती है, तो एनिमल्स का देखभाल, एनिमल्स के भला करती है, एनिमल्स को जानवरों के भला के लिए सोचती है। इट इज़ द लार्जेस्ट एनिमल राइट्स ग्रुप इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस एनिमल्स के देखभाल के लिए यही है। पेटा स्लोगन इज, इसका क्या स्लोगन है, स्लोगन मतलब नारा, क्या इसका नारा है, एनिमल्स आर नॉट फॉर अस टू ईट, एनिमल, जानवर हमारे लिए खाने के लिए नहीं है, हम उसको अपना भोजन ना बनाएं। एनिमल्स आर नॉट फॉर अस टू ईट, वी आर एक्सपेरिमेंट ऑन और यूज फॉर एंटरटेनमेंट, मतलब एनिमल्स हमारे लिए खाने की चीज़ नहीं है और उस पर एक्सपेरिमेंट हम लोग को नहीं करना है। ओके, उसके साथ एंटरटेनमेंट नहीं करना है, ये इसका क्या हुआ, स्लोगन, नारा हुआ। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन फोर कोर इश्यूज, चार तरह के मेन इश्यूज को ये फोकस करती है, इश्यूज मतलब समस्याएं, चार तरह के समस्याएं क्या है, तो फैक्ट्री फार्मिंग, दूसरा फर फार्मिंग, एनिमल टेस्टिंग एंड एनिमल्स इन इंटरटेनमेंट। क्या समझे, फैक्ट्री फार्मिंग मतलब एनिमल्स को एक छोटे से जगह में, घर में रखना और वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट, उसका देखभाल करना और उससे लाभ कमाना, ये क्या कहलाएगा, फैक्ट्री फार्म। जैसे पोल्ट्री फार्म का आप नाम सुनिए, पोल्ट्री फार्म में एक्चुअल क्या होता है, हम लोग हैंस को रखा जाता है और छोटे से इलाके में रखता है, उससे ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट हम लोग लेते हैं। तो एनिमल्स को किसी घर में रखना और ज़्यादा से ज़्यादा उससे फायदा कमाना, ये क्या कहलाएगा, फैक्ट्री फार्मिंग कहलाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, फर फार्मिंग, एनिमल्स के जो फर होते हैं, हेयर, उसको निकालना, रेयरिंग कर, फिर दूसरा प्रोडक्ट बनाना, एनिमल टेस्टिंग, एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करना मेडिसिन का, ओके, और उसके साथ एंटरटेन करना, ये सब चीज़ रोकता है कौन, पेटा। तो आप समझ गए, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। नाउ नेक्स्ट वीडियो जो होगा इस पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स, जितना है इस चैप्टर का उसको हम लोग करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, ऑल्सो लाइक्स एंड कमेंट, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग वीडियोज़ ऑन माई चैनल।